अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और जी ये देखें, आज मैं बना रही हूँ अपने आईफोन से वीडियो, और ये जो मेरा पुत्र है ना विल्ला सो के उठ गया क्योंकि मोबाइल इसके पास था और मैंने कहा आईफोन को भी यूज़ करके देख ही लेते हैं कि क्या इसके फीचर्स होते हैं क्या नहीं। और अभी मुझे कुछ पता नहीं है, और अगर आप लोगों को किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं अपनी तस्वीर नहीं दिखा सकती क्योंकि इतनी वो आ रही है ना ब्लैक सी, तो मुझे कोई नहीं पता अभी इसके फिल्टर शिल्टर लगाने का, तो काइंडली मुझे बताइएगा। और अभी टाइम हुआ है 12 बज गए हैं, ये देखें 12 बज गए हैं, हाँ। तो मैं उठी हूँ 11 बजे, 11:15 बजे, तो मेरी वो हेल्पर आ गई थी, तो अभी सफाई वगैरह कर रही है। तो लाला साहब क्या कह गए थे कि आज आपने बनाने मसर चावल, और मैंने जल्दी जल्दी मसर चावल, वाइट चावल और साथ मसर रख दी है। रात को मैंने मंगवा लिए थे अभी से, तो मैंने कहा था ला दो मुझे ताकि ना बना लूँ, फिर गैस चली जाती। गैस ने ना रूटीन जो है ना वो चेंज कर दिया हमारी। सबसे पहले मैं उठती हूँ, नाश्ता भी नहीं करती हूँ इस टाइम। और ये देखें चाय मैंने अपनी ना रख ली है निकाल के, तो जब बच्चे जाते हैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ वैसे तब, लेकिन इस टाइम तो भूख लग जाती है, तो मैंने ना निकाल के रखी है चाय कि मैं ना बाद में कुछ खाती हूँ, पहले मैं बना लूँ सालन, क्योंकि जब तक बच्चों ने आना है ना तो तब तक तो गैस जो है ना वो निश्चा होती है। और हैदर साहब वेव कर रहे हैं आप लोगों को, उनको कहो सारों को सब्सक्राइब कर दें, हाँ ऊपर रखाओ और ध्यान से कहीं गिरना चाहे नीचे, अच्छा कोई चेयर बाहर रख के ना उसके ऊपर डाल दो। मैंने मैट धुलवाए थे तो वो ऊपर रखने जा रही है। ये देखें जी हमारा बाहर का व्यू चेक कर लें, हमारे भी ना धूप आज हल्की सी निकली है, नहीं तो निकलती नहीं थी, और इतनी वो स्मोक हुई हुई थी इस्लामाबाद में भी। पंजाब में तो छुट्टियाँ हो गई हैं पूरे पंजाब में, लेकिन हमारे नहीं हुई। और मैंने आईफोन साहब को पकड़ा हुआ है, इसकी ना अलग ही जब मैंने लिया ना तो सारे मुझे बता रहे थे इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको बाहर नहीं लेके जाना, इसको धूप में नहीं लेके जाना। तो मैंने कहा मैं इसका ना अपने इससे ज़्यादा ख्याल रखूँगी, तो लेकिन कहते हैं जी इसमें तस्वीर हिलती नहीं है। वैसे मैं चल फिर रही हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं मेरे चलने से भी हिलने लग गई है तस्वीर। तो फिर मैं आप लोगों को आज एक चीज़ दिखाऊँगी जो मैंने अपने मियाँ साहब के लिए गिफ्ट लिया हुआ है, और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है क्योंकि हर दफ़ा वही मुझे देते होते हैं, और मैं भी वैसे देती हूँ उनको, लेकिन लास्ट टाइम मैंने कुछ नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास मनी नहीं थी मनी तो इस दफ़ा जो थी ना वो मैंने अपनी जो मुझे डेली की देखी जाते ना पैसे वगैरह खर्चे के लिए, उसमें से मैं बचा के मैंने रखे हुए थे जोड़े, एक चीज़ मंगवाई है। तो मैं अब वो दिखाऊँगी नहीं, लेकिन बता देती हूँ सरप्राइज़ है, और फर्स्ट टाइम मैंने वो चीज़ मंगवाई है कि वो है क्या, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत पसंद थी, मुझे था कि मैं अली के लिए भी वो लूँ, तो बस वो पहनने के लिए है। लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ें बाकी तो ले लेते, शॉपिंग कर लेते थे, लेकिन वो नहीं कभी उन्होंने ली अपने लिए ना, तो मैंने वो मंगवाई है। उसमें कलर जो है ना वो मुझे ब्लू नहीं मिला, ब्राउन मिला है, लेकिन चलें कोई नहीं, वो भी अच्छा है चलता है, अब उनके आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी आ गए कपड़े, ये इसमें पैंट है अली की, ये ले जाना, ये इसको इस्त्री कर दो। और कल मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं, और इनके बाबा की पैंट में मुझे लगता है टिशू थे, और सारे कपड़ों को ये देखें चिपक गए हैं टिशू ना, ये सारे लगे हुए हैं। भाई बातें सुनी जा रहे हैं आप लोग, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी किया करें प्लीज़। अच्छा भाई ये देखें चावल जो है ना वो मैंने बना लिए हैं, चावल मछला बन गए हैं, और मेरे पुत्र ने रात के फड्डा लगाया हुआ था लाला साहब ने कि अभी चावल और मसर बनाए, मैंने कहा सुबह बना दूंगी, तो कह रहा था मेरे आने से पहले ना चावल मसर बने हो, और बातों बातों में ना, और ये इधर मैंने प्याज का तड़का लगाना है, तो बातों बातों में जी वीडियो बनाने के चक्करों में ना मेरे जो थे ना मसर साहब वो तो जी प्रोग्राम तो बढ़ने लगा था, क्योंकि जो पानी था ना वो बिल्कुल खुश्क हो गया था, ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, और शुक्र है नीचे नहीं लगे थे, अभी जलने की स्मेल नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने वेट बंद किया ना तो बिल्कुल खुश्क ड्राई। और अब मैंने पानी थोड़ा सा डाला क्योंकि मेरे बच्चों को होता है कि मम्मा ये ना हमें वो जैसे नहीं गुले गुले से के ऐसे पतले पतले वो नहीं खड़े खड़े नहीं अच्छे लगते ना मसल नज़र आए, वो नहीं अच्छे लगते बच्चों को, तो फिर इसलिए मैंने और पानी डाल दिया, अब ये पकेंगे थोड़ा सा और फिर मैं तड़का लगाऊंगी। और कौन कौन जी प्याज का तड़का लगाता है? हम तो हैं जी अराई, और अराई जो होते हैं ना वो गंडे खाई होते हैं, सुना हुआ है आप लोगों ने भी, और लेकिन मुझे ना लहसुन का तड़का भी बड़ा अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है और उसका टेस्ट ही अलग होता है लहसुन का ना, लहसुन था नहीं मेरे पास तो मैंने ना प्याज का तड़का लगाना है, और अभी तो सब्ज़ी मिर्ची डालनी है, ज़ीरा डालना है, तो फिर तड़का बनाती हूँ।
तो माशाल्लाह मेरा जो खाना है वो बन चुका है, क्योंकि कल मैंने बच्चों के लिए रोटी बना ली थी और वो दूसरा तब गैस नहीं गई। जिस दिन मैं नहीं बना के रखती, हॉट पॉट में मैंने रोटी बना के रख ली थी, तो जिस दिन मैं नहीं बनाती उस दिन गैस गई होती है। और ये जो वेला बंदा आप देखेंगे ना, हमेशा इधर ही बैठा होता है। अभी मैंने ना निकालनी है मिर्चें, सब्ज मिर्चें। ये हमारी फ्रिज में चेक करें ज़रा, आजकल खाली पड़ी हुई है। 3-4 दिन तो बड़ी अय्याशी की है हमने। चलो कोई नहीं, खैर ऐसे भी तो होता है ना। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने नहीं किया पाते ही ना सुना करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें वीडियो को, और आगे शेयर भी कर दिया करें काइंडली। जेलस हो के ना बैठा करें, जली हुई कुकड़ी ना बना करें। अच्छा जल्दी जल्दी लाइक किया करें और सपोर्ट किया करें, जो हम लोग ऐसे वो बनाते हैं, कोई एफर्ट करते हैं। ठीक है ना लाला हैदर साहब। चले अब फिर अपनी हांडी की तरफ जाते हैं। ये जिस चुन्नी मुन्नी से तीन निकल आई हैं सब्ज़ मिर्चें, ये नज़र आ रहा है, ब्लर हो रही है तस्वीर। जी जी नहीं, अब नज़र आ रहा है, अब नज़र आ रहा है। हाँ हाँ धोने वाली हैं बेटे ये सब्ज़ मिर्चें, आपने क्या करनी है। नो नहीं नहीं, अच्छा मैं जब फारग हो जाऊँगी ना, बच्चे वगैरह आ जाएंगे और खाना वगैरह खा खू के ना, फिर मैं आप लोगों को के दिखाना नहीं है मैंने गिफ्ट तो, लेकिन मैंने उसको पैक करना है अभी। अच्छा सही हो गया भाई, मुझे कोई पता नहीं है आईफोन के बारे में, और मैंने ना अपने बेटे से पूछा है कि मुझे बताओ कि क्या करना क्या है, लेकिन इसमें ना मुझे अली पता नहीं क्यों नहीं मैं सेटिस्फाई हो रही। हमारी दीवार रियल चीज़ें दिखा रहा है कैमरा, और इतनी गंदी आ रही है ना पीछे से, देखो ज़रा वैसे नज़र नहीं आता है। अच्छा आज मैंने इसे एक वीडियो बनाई है, पता नहीं क्यों मैं ना अपने मोबाइल से ही होती हूँ सेटिस्फाई, तो इसमें ये भी मोबाइल है, लेकिन चलो एक मैंने कहा था इससे वीडियो बना लेते हैं। अब बच्चे जाने लगे हैं ट्यूशन। लाली साहब क्या लगा रहे हैं आप, दीवारों को खराब कर जाओ। ये देखें हमारी दीवारों, अच्छा जी हैदर सही आ रहा है, हैदर ज्यादा अच्छा आ रहा है माशाल्लाह सारों से, आप भी अच्छी आ रही हो आंटी। अच्छा भाई जल्दी जल्दी से मेरा चैनल अगर किसी ने नहीं ना सब्सक्राइब किया, तो जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें, तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अच्छा ये देखें जी, मैंने जो मियाँ साहब को देना था गिफ्ट, मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है, और अब मैं इसको पिनअप करूँगी, और ये आप लोग ना उसी दिन देखेंगे जिस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, बस 2-3 दिन रह गए, तो उस दिन मैं लगाऊंगी, फिर जिस दिन अगले दिन 1-2 दिन छोड़ के फिर जो एनिवर्सरी का व्लॉग होगा ना, उसमें आपको पता चलेगा इसमें है क्या। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने अपनी पसंद से ली है और फर्स्ट टाइम मैंने ली है, ठीक है। बाकी मैंने मियाँ साहब को मैं परफ्यूम भी दे दिया है और भी चीज़ें, सूट भी लेके दी है, लेकिन इसमें जो है ना वो कोई स्पेशल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो चीज़, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपने इससे आईफोन से, और जो कि पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं पता नहीं क्यों नहीं इसमें ना वो सही नहीं बन रही ना, तो मैं अपने मोबाइल पे यूज़ टू हुई हूँ। और जी आज मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है, और मैं निकालने लगी हूँ स्वेटर, और स्वेटर पहनती हूँ, बच्चे ट्यूशन चले गए थे और साथ साथ मैं और हैदर बिस्किट खा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ना इसको पैक करके रख लेती हूँ, और फिर इंशाल्लाह ना बर्थडे सॉरी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन मैं मियाँ साहब को गिफ्ट करूँगी। ये बैग भी जो था ना ये मैंने घर से निकाल लिया है, ये हमारे घर में ही पड़ा हुआ था, हैदर की बर्थडे का था उसको हमने गिफ्ट दिया था, तो ये घर में मैं संभाल के रख लेती होती हूँ, और अब फिर मैंने निकाला है। चलें जी आज का जो छोटा सा व्लॉग है ना, ये आज का व्लॉग जो है आईफोन के नाम और मियाँ साहब के सरप्राइज़ गिफ्ट के नाम है, और दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।